हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यूर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इंग्लिश बोलते समय अगर आप रुक जाते हैं, इंग्लिश बोलते समय कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाता है कि आप रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते और फिर बोलते हैं कि हेजिटेशन हो रहा है। सच्चाई ये है कि नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर हेजिटेशन नहीं होगा। दो ही चीज़ होगा, क्या तो नॉलेज या फिर हेजिटेशन। अगर हेजिटेशन है इसका मतलब नॉलेज नहीं है, और नॉलेज है तो फिर हेजिटेशन नहीं है। ये सच है कि नहीं, सोच कर देखिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रुकते क्यों हैं। उसमें से कई बातें हो सकती हैं, लेकिन हम एक बात पर चर्चा करेंगे और वो है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि जिसे आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पर विच ऑफ दीज। अब इसे बोलना हो तो फिर कैसे, इसका यूज कैसे करेंगे, हमें टोटल वहीं बताएंगे, क्योंकि इसका हिंदी भी इस वीडियो के लास्ट में टोटल का हिंदी भी आपको लिखकर हम देंगे ताकि आप स्क्रीन शॉट कर लेंगे। उसके बाद देखिए विच ऑफ अस, विच वन, विच पेन, द पेन विच का प्रयोग कैसे करेंगे, या फिर आफ्टर विच, एट विच, अबाउट विच, विद विच एंड इन विच और अगेंस्ट विच, इन सभी का प्रयोग कैसे करेंगे। इंग्लिश बोलते समय ये सब जब आ जाता है तो अच्छे अच्छे रुक जाते हैं, उन्हें लगता है कि हेजिटेशन है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो इसका प्रयोग नहीं जानते हैं। इस तरह के सेंटेंस को वो इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं तो फिर उनमें रुकावट आ जाती है, रुक जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और मैं बहुत ही आसान तरीके से बतलाऊँगा, और इस वीडियो के अंत में इस सबका हिंदी भी हम लिख देंगे ताकि आप इसे नोट करके और फिर बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछते रहे हैं, आज भी पूछेंगे, तो जरूरी है कि एक एक पॉइंट को सही से देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं कि इससे आप कितने सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे विच ऑफ दीज बुक्स का मतलब है इन किताबों में से, ऑफ का मतलब यहां पर होता है में से, ऑफ का मतलब यहां पर खासकर में से, तो इन किताबों में से कौन सी तुम्हारी है, इन किताबों में से कौन सी तुम्हारी है। तो इसी तरीके से पूछ सकते हैं कि इन लड़कों में से, इन लड़कियों में से, इन बच्चों में से कौन सी तुम्हारे भाई है, बहन है, दोस्त है, ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे देखिए विच ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से कौन तुम्हारा भाई है, तो विच ऑफ दीज बॉयज इज योर ब्रदर, इन लड़कों में से कौन तुम्हारा भाई है। अब यही चीज़ पूछना होता है जब आप इनिशियल स्टेज में होते हैं और आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो फिर आप रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, बस बोलना है, और इसके लिए इसे सीख लीजिए। नेक्स्ट है, तो ये हो गया दोनों एक तरीके का हो गया कि भाई इनमें से कौन सा, चाहे वो आदमी हो या फिर कोई वस्तु हो, उसके लिए पूछ सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि विच वन का प्रयोग कब करेंगे, जब कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार आप दुकानदार को बोलते कि वो वाला लाओ, वो वाला, तो डेट वन, लेकिन दुकानदार ही पूछ रहा है कि भाई कौन वाला, भाई कौन वाला चाहिए आपको, कौन वाला, तो आप वो पूछेगा आपसे विच वन। जैसे विच वन इज योर फेवरेट पेन, कौन सी पेन, यानी विच वन का मतलब कौन वाली कलम तुम्हारी फेवरेट है, तुम्हारा पसंदीदा है, कौन सी कलम, कौन वाला। विच वन डू यू वॉन्ट टू बाय, भाई यहाँ पर इतने कलम है, यहाँ पर इतने कलमें हैं, लेकिन तुम कौन वाला खरीदना चाहते हो, तो कौन वाला हम लोग बोलते हैं कि विच वन का मतलब कौन वाला, आप कौन वाला खरीदना चाहते हैं। देखिए ये सब वैसा स्ट्रक्चर है जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज कर रहे होते हैं, तो जरूरी है कि इसको सही से समझिए। तो विच वन का मतलब कौन वाला, और उसके बाद आप सेंटेंस को जैसे चाहें बोल सकते हैं, तोड़ मरोड़ कर, मतलब टेंस का प्रयोग करके, मॉडल का प्रयोग करके, जैसे चाहें बोल सकते हैं। तो विच वन डू यू वॉन्ट टू बाई, विच वन डू यू वॉन्ट टू बाई का मतलब आप कौन कौन वाला खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट है विच बुक, अब क्या है कि विच के बाद में प्लस नाउन, प्लुरल हो या प्लुरल तो नहीं होगा, सिंगुलर ही होगा, तो आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, विच वन इज योर्स, विच बुक इज योर्स का मतलब कौन सी किताब तुम्हारी है, कौन सी किताब तुम्हारी है, विच बुक इज योर्स। नेक्स्ट है विच बॉय इज टीजिंग यू, अब एक बात और याद रखेंगे कि विच का प्रयोग बहुत सारे वस्तु या फिर बहुत सारे व्यक्ति वस्तु में से कोई एक के लिए ही यूज किया जाता है, पूछने के लिए कि भाई इनमें से कौन है, तो विच बॉय इज टीजिंग यू, मान लीजिए बहुत सारे लड़के हैं और हम पूछ रहे हैं किसी को कि भाई इनमें से कौन है जो तुम्हें परेशान करता है या परेशान कर रहा है, तो इनमें से कौन है, तो बहुत सारे में से कोई किसी एक के बारे में चुनना है तो विच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विच इज योर बैग, अब फिर हम पूछ रहे हैं, अब क्या है कि विच के बाद में डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग हम कर सकते हैं, विच के बाद डायरेक्ट हम वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विच इज योर बैग,
तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा बैग कौन सा है, या कौन सा तुम्हारा बैग है, कौन सी तुम्हारी किताब है, कौन सी तुम्हारी कलम है, तो ऐसे भी आप पूछ सकते हैं किसी से। तो विच के बाद भी डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है विच इज हर्स। अब देख लीजिए यहाँ पर पसेसिव प्रनाउन का प्रयोग किया गया है, यानी कि विच इज हर्स, कौन सी उसकी है। अब इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि बोल सकते हैं कि विच वन इज हर्स, कौन वाला उसकी है, कौन वाली उसकी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट बोलेंगे विच इज हर्स, कौन सी उसकी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद है द बुक। अब सेंटेंस को लॉन्ग करना है, सेंटेंस को बड़ा करना है, तो उसमें भी विच का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, द बुक विच इज देयर इज माइन, इसका मतलब हुआ कि जो किताब वहाँ पर है, द बुक विच, विच का मतलब यहाँ पर जो भी होगा, तो यहाँ पर डेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो द बुक विच इज देयर इज माइन, जो किताब वहाँ पर है वो किसकी है, मेरी है, माइन का मतलब मेरी है। उसके बाद है द हाउस विच इज वाइट इज हर्स, अब सामने दिखाकर बोल रहे हैं कि जो घर वाइट है, जो घर वाइट है, सफ़ेद है, वो उसकी है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों सेंटेंस को बड़ा करने के लिए, यानी कि जोड़ना, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ करके भी बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे विच ऑफ अस इज ट्रेटर का मतलब है कि हम में से, हम लोगों में से कौन ट्रेटर है, का मतलब गद्दार है। तो विच ऑफ अस, फीच ऑफ अस का मतलब हम लोगों में से कौन, ऐसे भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर हु बोलना अच्छा नहीं होगा, तो फीच का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं और उनमें से किसी एक को चुनना है, तो इसीलिए हम बोलेंगे विच ऑफ अस इज ए ट्रेटर, हम लोगों में से कौन गद्दार है। उसके बाद है फीच ऑफ देम इज लॉयलिस्ट, उन लोगों में से कौन वफादार है। तो इस तरह का सेंटेंस जब भी आता है तो आप रुक जाते हैं कि भाई इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए इन सभी को समझना और जानना ज़रूरी है और प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो विच ऑफ देम, उन लोगों में से कौन इज लॉयलिस्ट, वफादार है। नेक्स्ट है आफ्टर विच आई लेफ्ट फॉर मुंबई, आफ्टर विच के बदले में आफ्टर डैट भी बोल सकते हैं और आफ्टर विच भी बोल सकते हैं। तो आफ्टर विच का मतलब है उसके बाद, आई लेफ्ट फॉर मुंबई, मैं मुंबई के लिए रवाना हो गया। एट विच आर यू लुकिंग, तुम किस चीज़ पर देख रहे हो, किसी वस्तु पर अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसके लिए हम एट विच का प्रयोग करेंगे। अगर वही कोई किसी आदमी पर देख रहा है तो एट होम का प्रयोग करेंगे कि एट होम आर यू लुकिंग, तुम किस व्यक्ति पर देख रहे हो। एट विच आर यू लुकिंग, तुम किस चीज़ पर देख रहे हो। नेक्स्ट है अबाउट विच आर यू टॉकिंग, अब किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि तुम किससे, किस विषय वस्तु पर बातचीत कर रहे हो, तो उसके लिए अबाउट विच प्रयोग में लाएंगे। तो अबाउट विच आर यू टॉकिंग, तुम किस विषय वस्तु पर बातचीत कर रहे हो। उसके बाद है विद विच पेन टू यू राइट, विद विच पेन, हम पूछ रहे हैं कि तुम किस कलम से लिख रहे हो, तो हम विद का प्रयोग कैसे, कब करेंगे, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्रेस करना हो, किसी इंस्ट्रूमेंट से हम कोई काम करते हैं वहाँ पर विद का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि विद विच पेन डू यू राइट, तुम किस कलम से लिखते हो। नेक्स्ट है इन विच हाउस डू यू लिव, तुम किस घर में रहते हो, इन विच हाउस डू यू लिव, तुम किस घर में रहते हो। I know in which house you live, ऐसे बोल सकते हैं। अब है कि हम बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम किस घर में रहते हो। I know in which house का मतलब है कि जिसमें या फिर किस में, तो मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम किस घर में रहते हो, in which house you live, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है against which are you leaning, leaning, leaning का मतलब होता है किसी चीज़ से सट करके खड़ा होना, किसी पर के, किसी चीज़ पर अड़ करके खड़ा होना या फिर बैठना, तो उसके लिए आप lean का प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन किसी चीज़ से सटने के लिए, इसका मतलब तो झुकना होता है, चाहे अड़ना होता है, लेकिन अगेंस्ट का प्रयोग जब किसी वस्तु या फिर दीवार से आप अड़ते हैं तो इसके लिए अगेंस्ट का यूज़ करना ज़रूरी है। तो अगेंस्ट विच आर यू लीनिंग, तुम किस चीज़ पर अड़े हुए हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ इज फ्लावर फॉर विच लव इज हनी, हनी, लाइफ इज फ्लावर और लाइफ इज फ्लावर फॉर विच लव इज हनी, मतलब ये हुआ कि जीवन फूल के समान है, और फॉर विच का मतलब है जिसके लिए, फॉर विच का मतलब जिसके लिए, लव इज हनी, प्रेम क्या है, हनी है, एक शहद के समान है। तो लाइफ अगर फ्लावर है
तो फॉर विच लव इज हनी, लव शहद के समान है। तो चलिए अब क्या है कि आपको इन सभी का हिंदी हम लिख देते हैं ताकि आप बहुत आसानी से बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करेंगे और इसमें फिर आपसे सवाल भी पूछ लेंगे। अब यहाँ पर इसे नोट कर लेना होगा। जैसे देखिए, विच ऑफ दिस का मतलब है इनमें से कौन से, इनमें से कौन से, और विच ऑफ अस का मतलब है हम लोग में से कौन। क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं तो इसलिए याद रखेंगे कि विच ऑफ अस का मतलब हम लोग में से कौन। उसके बाद है विच वन का मतलब कौन वाला, विच पेन, विच पेन कौन सी कलम, और द पेन विच का मतलब जो कलम आपने कल खरीदा था, द पेन विच अबाउट यस्टरडे इज नॉट गुड, इस तरह से कुछ भी बोलना है आपको। द पेन विच का मतलब जो कलम हो गया। उसके बाद है आफ्टर विच का मतलब जिसके बाद, आफ्टर विच या फिर किसके बाद भी बोल सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका यूज किस प्रकार करते हैं। तो आफ्टर विच का मतलब जिसके बाद या फिर किसके बाद। एट विच का मतलब है किस चीज़ पर या फिर जिस चीज़ पर भी। बस अंतर यह है कि अगर आप इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख देते हैं तो हो जाएगा जिस चीज़ पर, अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देते हैं तो हो जाएगा किस चीज़ पर। उसके बाद है जिस, यहाँ पर किस चीज़ के बारे में, तो अबाउट विच किस चीज़ के बारे में या फिर जिस चीज़ के बारे में, किस चीज़ से तो विद विच या फिर जिस चीज़ से। उसके बाद है इन विच का मतलब किस में या फिर जिस में, इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार में। अगेंस्ट विच मीन्स होता है किस से या फिर जिस से सटे, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब सवाल पूछते हैं आपसे और देखते हैं कि आज आपने क्या क्या सीखा। तो आपको बोलना है कि हम लोगों में से कौन बेईमान है, हम लोगों में से कौन बेईमान है। तो किसका यूज करेंगे, विच ऑफ अस मतलब हम लोगों में से कौन बेईमान है, इस का प्रयोग करना होगा कि आर लगेगा। ये सब अब हम आपको बतला चुके हैं, सोचिए और सही सही जवाब दीजिए। तो देखते हैं कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं पढ़ाई में और देखते हैं, सीखते हैं और पूछे गए सवाल का जवाब भी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।